हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पर टेस्ट डन बहुत सारे हो गए हमारे साथ, हमारे साथ एग्जाम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं होंगे, होंगे। अब फाइनली यहाँ पे बोला कि सर एचआर मिनिस्टर ने बोल दिया कि बिना एग्जाम से फाइनलिस्ट को आगे प्रमोट तो नहीं करेंगे। तो यहाँ बात आती है, क्या अब हमें पढ़ना पड़ेगा? यस, वी नीड टू स्टडी। अब सर कंडीशन ठीक हो, कंडीशन होगी या नहीं होगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डेफिनेटली बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे कहीं लग नहीं रहा कि ठीक होना चाहिए, क्योंकि केसेस डेली बढ़ते आ रहे हैं। बट यहाँ पे यूज ने क्लियर कर दी, बहुत अच्छे से बता दिया कि गाइस वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट यू विदाउट एग्जाम्स फॉर द फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स। सो एट दिस टाइम व्हाट शुड वी डू? द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बीएड आर बीइंग वरीड अबाउट देयर स्टेटस कि यार अब होने क्या वाला। तो गाइस इस स्पीच में आपको क्लियर कर देता दैट वी नीड टू स्टार्ट स्टडी नाउ। वन थिंग वी कैन डू विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर देयर कंफ्यूजन, सीरियसली बहुत सारे कई स्टूडेंट बहुत परेशान है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, क्या स्टेटस होगा। तो यार यहाँ पे पहले क्लियर कर लो आप लोग कि यहाँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर करना है दैट वी हैव टू स्टडी। द रीजन आई रियली हैव नो आइडिया व्हेदर स्टूडेंट आर गोइंग टू गिव द एग्जाम्स और नॉट, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, यूसी बता, चलो छोड़ दिया मैंने, स्टेट यूसी करा दिया, छोड़ देने। मेरे पास है 2 महीने, क्लियर मैं बोलता हूँ, अभी 1 महीना और खींचता, उसके बाद फाइनल डिक्लेरेशन आती है, यूनिवर्सिटी बोलती है कि एग्जाम्स हैं आपके अगस्त लास्ट या सितंबर लास्ट में, एकदम कैसे करोगे यार, सीरियसली फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी फिर भी हमारे पास 2 महीने पूरे पड़े, जुलाई ऑलमोस्ट पड़ा है, अगस्त पड़ा है, सितंबर ऑलमोस्ट 2.5 महीने हमारे पास। तो अभी शुरू कर देते हैं प्रिपरेशन, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो बार बार सोच मैसेज करते हैं सर प्लीज आप एक वीडियो बनाइए जिसमें बताइए कि हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर कर पाए और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। नाउ कौन कौन से स्टूडेंट फॉलो करेंगे जिसको सर हरियाणा यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, या मैं बोलूँ सर जितनी भी यूपी की यूनिवर्सिटी है, गुजरात की यूनिवर्सिटी आ रही है, तमिलनाडु या आंध्र या ईस्ट साइड जितनी भी यूनिवर्सिटी है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट यही स्टेप्स फॉलो करें। यू गाइस सीरियसली नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स। अब सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर की डेफिनेटली स्ट्रेटेजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से डेफिनेटली अलग होगी, बिल्कुल होगी। आपने क्या कैसे करना है तो यार क्लियर कर लेते हैं। पहले 2 सेगमेंट बनाते हैं, एक वो स्टूडेंट जिन्होंने 60 से अब स्कोर किया और वो स्टूडेंट जिन्होंने 50 से नीचे स्कोर किया। तो 50-60 के बीच में आते हैं, वो 60 और 50 अपने आप डिसाइड करके आप मेहनत कर लेना चाहना जाना है। मैंने 10 पसंद की आपको, आपकी चॉइस होगी कि आप यहां जाना चाहते हैं वहां जाना चाहते हैं, बेटर होगा तो 50 वाले करेंगे, आप वो करना। आपने करना सर करना क्या है, एट द लास्ट करना एक ही, हम सबने कोर्स पूरा करना है। 60 को अलग प्रोविजन क्यों दिया, क्योंकि गाइस यहां पे कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए हमारे, कम से कम लीस्ट। वैसे फर्स्ट डिवीजन 60 होती है तो कम से कम चाहिए, और बीएड में फर्स्ट डिवीजन मैटर करती है। एट द टाइम ऑफ यो सर जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी ना, वहां आपके बीएड के मार्क्स डेफिनेटली जाते हैं। ये लोग पागल बनाते हैं खाली बीएड जो होता है वहां मार्क्स जरूर दिखते हैं बीएड के, डिवीजन क्या है। तो गाइस मेक श्योर कि यहाँ पे डिवीजन काम करेगी, और अगर यहाँ पे प्रमोट किया जाता है तो डिवीजन कई बच्चों की खराब हो जाएगी, वो आने टाइम में वो आपके लिए नेगेटिव क्राइटेरिया बन जाएगा। सीरियसली लोगों को लग रहा है ना कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, मैं भी मान रहा हूँ नहीं होनी चाहिए, कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन बिना एग्जाम्स के डिग्री वो भी टीचर की एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गाइस। तो यहाँ क्लियर कर लेते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं, वी हैव टू स्टार्ट स्टडी। सबसे पहले पूरे कोर्स कंटेंट को क्लियर कर लेते हैं, कम से कम ये तो है कि हमारा असाइनमेंट है, हम पूरे कोर्स कंटेंट को समझ लें। वी नीड टू क्लियर आवर कोर्स कि हमारा कोर्स में क्या क्या है, किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, कौन से पेपर है हमारे पास, उन पेपर्स को पढ़ने का तरीका क्या होगा। एंड देन कम टू द सेकंड पॉइंट दैट योर वे ऑफ राइटिंग। 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज कंप्लीट कोर्स, वे ऑफ राइटिंग, योर लिमिटेशंस, 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। जब बात की जाए बीएड की या एमएड की, या मैं किसी फाइनल ईयर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, कोई और कर रहा है मास्टर्स कर, कुछ भी कर रहा है गाइस, 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या होती हैं? पहला कोर्स, कंप्लीट कोर्स, हमें पूरा कोर्स कंटेंट ऑन टिपोलॉजी, एंड यस 2.5 मंथ इज नॉट अ स्मॉल पीरियड टाइम जिसमें हम पूरा ना कर पाएंगे, बहुत अच्छे से रिविजन करके भी कर पाएंगे। तो आपने कहा यहां आ गया कंप्लीट कोर्स। नंबर 2, वे ऑफ राइटिंग, हाउ वी राइट ऑन आवर आंसर्स।
स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके वो 50 या 60 से कम मार्क्स हैं, उसका रीजन आप प्लीज अपनी वे ऑफ राइटिंग में ध्यान दे रहे हैं। शायद पिछली बार नंबर आया हो तो यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई यूनिवर्सिटीज में नाम नहीं ले रहा, कोले कहते हैं कि इन्होंने लाइफ बर्बाद कर दी, बेकार यूनिवर्सिटी। आई डू एग्री गाइस, मैं आपसे एग्री करता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है ऐसी जो नंबर नहीं देती, लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी नहीं है। उन यूनिवर्सिटीज में कईयों के नंबर आए थे, तो यहाँ पे लग बहुत बड़ा काम करता है ऐसी यूनिवर्सिटीज में जो नंबर नहीं देती। लेकिन बाकी जगह आपको तीन चीज पे काम करना है, तो तीन चीजें सीरियसली काम करती हैं। पहला, कोर्स पूरा ऑन टाइम होना चाहिए, मुझे पता है कोर्स क्या है, कोर्स कंटेंट क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। एंड द सेकंड, आई नीड टू नो हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन, मेरे लिखने का तरीका क्या है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हर स्टूडेंट क्या करता है, अवॉइड करता है, वो होती है हमारी लिमिटेशंस। मेरी भी है, आपकी भी होगी। मेरी लिमिटेशन, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आई डोंट थिंक माई राइटिंग इज गुड, बोलता हूँ राइटिंग ठीक नहीं है। इस तरह कई लोगों की राइटिंग ठीक नहीं होती, कई लोग टॉपिक्स याद नहीं होते, कई लोग प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं देते। बीएड के एग्जाम से प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, जहां पे क्वेश्चन खत्म करने के बाद हमें एंड में कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। मैं हर क्वेश्चन बोलता हूं कि आप लोग एट द एंड कंक्लूजन ड्रॉ करें, बेटर रहेगा, वो कंक्लूजन ड्रॉ करो, बेस्ट है। एंड देन द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज दैट वी नीड टू बी स्टिक विद द बेसिक्स। बेसिक्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हमारे, ये बेसिक्स हैं, कैसे काम करेंगे, इनको कैसे और अच्छे से परफेक्शन लाया जा सकता है, ये सारी हमारे काम करते हैं। सो यस, आई डू नो द ऑल पॉन्स एंड कॉन्स, उस साइड में आपके लिए समझ रहा हूं, लेकिन आपको पहले ही तीन चीजें करनी है। अब ये तीन चीजें करने के बाद करना क्या है, गाइस यू हैव टू नो द वे ऑफ राइटिंग ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अब दोनों में फर्क है, यस यू नीड टू मेक अ डिफरेंस इन योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग आंसर्स। आपका वे ऑफ राइटिंग चेंज करना है, आपको लॉन्ग और शॉर्ट आंसर लिखते हुए आपको अपना पूरा पूरा फ्लो चेंज करना है। कई लोग जितनी विथ लॉन्ग आंसर करते हैं उतनी विथ ऑलमोस्ट शॉर्ट आंसर कर देते हैं। जितना टाइम आप लॉन्ग आंसर में देते हो उतना ही टाइम ऑलमोस्ट आप क्या करते हो, शॉर्ट क्वेश्चन में देते हो। यार यू आर किलिंग योर टाइम गाइस। अभी थोड़े दिन मेरे एक स्टूडेंट में फोन आया, उसने कहा सर मेरा शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन वो मुझे आता है बहुत अच्छे से आता है, तो मैं उसको चार पांच पेजेस लिख दूं। आई वाज क्वाइट इंप्रेस्ड, मैं बोलूंगा नहीं क्या करने वाला हूं उसको मैं, लेकिन सोचो चार नंबर के लिए उस बंदे ने एक घंटा खराब कर दिया, ठीक है, और टीचर उस चार नंबर में उसको एक नंबर नहीं देगा क्योंकि उसने लिखना था एक या डेढ़ पेज में और लिखे चार से पांच पेज। तो मैं क्या बोलूं उसको, आप लोगों को जवाब बताऊंगा सीरियसली, अपने पास रखना, बोलना मत। यहां आपने कहा ये नहीं करना है यार, पहला कोर्स पूरा समझ लिया, वे ऑफ राइटिंग पे ध्यान दिया, देन हमने अपनी लिमिटेशन पहचान लिया। अब क्या करना है, अब पहला पॉइंट आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पहले क्लियर करने, चाहे 2.5 months है लेकिन यहां पे भी आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं पहले। यू गाइस नीड टू क्लियर योर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फर्स्ट। सर 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रखे मैंने हर पेपर के, यार वीडियो आपके लिए बनाई थी मैंने, आप लोग जाइए उसको देखिए, वही क्वेश्चन नहीं बदलेंगे। आप सोचोगे पेपर का पैटर्न बदल जाएगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बदल जाएंगे, ना तो पेपर का पैटर्न बदलता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बदलते हैं, डेफिनेटली एग्जाम्स तभी दे जाएंगे सब कुछ ठीक होगा, ये कन्फर्म है, किसी लाइफ से रिस्क कोई नहीं लेगा। लेकिन हम अपनी तैयारी कर ले तो वो 10 क्वेश्चन आपको ऑन टिप होने चाहिए, आपने वो 10 क्वेश्चन हम ऑन टिप कर लेंगे, और ऑन टिप करने के बाद क्या करना है फिर उनको समझना है। आप समझना कैसे, चैनल है सब्सक्राइब किया अभी तक नहीं किया सीरियसली, बहुत सारे ऐसे जो पहली बार आए वो चैनल सबका, भाई आप सब्सक्राइब करो, चेक करो नंबर ऑफ वीडियोस, मोर देन 1500 वीडियोस हैं, 1500 वीडियोस, ज्यादा वीडियोस हैं, जिनमें से कम 600 से 700 वीडियो सिर्फ बीएड स्टूडेंट के लिए। आपके हर टॉपिक की वीडियो आपको यहां मिलेगी, आप तसल्ली से उस वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, वो अगर लगता है कि यार ये मेरा टॉपिक है इसकी वीडियो नहीं है, कमेंट बॉक्स आपके लिए यार कमेंट दो, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उस वीडियो को फॉलो करो। ये सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन आप एक रिजल्ट लेके आओ, मजा आया पढ़ने का। इट डजंट मीन दैट आई हैव डेफिनेटली नो ऑल यू बाय द नेम ऑल बाय फेस दैट यू आर नॉट माय स्टूडेंट। यस यू आर माय स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू गाइस, एंड मेक श्योर दैट आप फॉलो करें इन चीजों को, टॉपिक को क्लियर करो, वे ऑफ राइटिंग को इंप्रूव करो, एंड स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स इन योर नोट रजिस्टर्स।
अपने नोट्स रजिस्टर में शुरू करो। नोट्स बनाए नहीं बनाए, नहीं बनाए जिन्होंने नोट्स वो ले सकते हैं, कि वहां पे नोट्स होता है मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स जो मैं देता हूं, मेरे हिसाब से सिर्फ वो करो मोर देन इनफ है, उन्हीं को मोल्ड करके क्वेश्चन पेपर आएगा 100% आप उन्हीं को बहुत अच्छे से कर पाएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। सीरियसली सर यूनिवर्सिटी कौन सी, किसके नोट्स होते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज किसी भी यूनिवर्सिटी डजंट मैटर, हमें आने चाहिए। तो ये प्रोसीजर्स को फॉलो करना। अब कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा सर नोट्स के लिए चार्ज होता है, वीडियो का पानी आपने, यार वीडियो फ्री है नोट्स के लिए चार्ज होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वो पॉइंट, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सर आपने कहा ये तीन क्लियर किए, चौथा आ गया हमारे पास, हमने क्या किया, हमने आंसर को लिखना शुरू कर दिया। हम आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, हमने कहा वीडियो से टॉपिक्स क्लियर कर लिए, हमने सिर्फ उसे सिलेक्टिव क्वेश्चन को ही प्रिपेयर करना है, जस्ट वर्क ऑन सिलेक्टिव क्वेश्चन एंड देन कम टू द मेजर पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद मैं इस क्लास को वाइंड अप करूंगा। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यार इस वीडियो को शेयर करो थोड़ा यार, ताकि बाकी लोग भी देख पाए, सीरियसली मेरे को थोड़ा बेनिफिट हो, लोग सब्सक्राइब बढ़ेंगे। तो यहाँ आपने कहा सर अपना काम करा लो, लेकिन यार जरूरी है। तो ये मैंने आपको बोला लास्ट पॉइंट, इस अभी से कोई ना कोई मॉक टेस्ट पेपर लो और शुरू हो जाओ। मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, मैं भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा मॉक टेस्ट पेपर लो, शुरू हो दो प्रैक्टिस। इस बीच अगर एक अच्छी खुशखबर आ दी कि पेपर नहीं हो रहा और आपको प्रमोट किया रहा है, नुकसान कुछ नहीं हुआ यार आपका, सिर्फ नुकसान कुछ भी नहीं है, आपने प्रिपरेशन की है, आपको आगे काम आएगी लाइफ में, सीटेट भी करना है, आपने DSSB के लिए पेपर भी जाना है या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आगे जाएंगे आप, तो भी काम आएगी पढ़ाई। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बाय गाइस।